आप सब समझदार साथी बैठे हो मेरे सामने, क्या दुनिया की कोई भी सड़क सीधी जाती है? मोड़ आता है, स्पीड ब्रेकर आता है, दिक्कतें बढ़ाई दुकान में भी है, दिक्कतें बढ़ाई नौकरी में भी है, दिक्कतें बढ़ाई खेती में भी है, दिक्कतें बढ़ाई आर्थिक में भी है। तो कौन सी बड़ी बात है भाई? लेकिन खेती की नौकरी की दुकानदारी की दिक्कतें बढ़ाए सारी उम्र की है और आर्थिक की बढ़ाए मात्र 5 साल की। जिंदगी नजरी हो जाए तो जोर लगाया, पहला चेक मेरे घर पे आया 516 रुपए का चेक। बहुत एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था कि उस दिन शाम को मैंने खाना खाया जिस दिन चेक आया। जब एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होता है, तो भूख प्यास लगती है क्या? बताओ ना ऊपर आप लोग बोलते नहीं क्या? जब उत्साह में व्यक्ति होता है तो भूख प्यास लगती है क्या? एक चूल्हा जाता है 200 बराती खुले, 200 बराती खूब चम के खाते, बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये गुलाब जामुन, आइसक्रीम, इतने सारे लोगों की शादियां हुई है ना, शादी हुई है ना, शादी शुदा है ना, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ल से पता चलता है कि हम शादी शुदा। इतने सारे लोगों की हमारी शादियां, शायद ही कोई माई का लाल ऐसा हो जिसने अपनी शादी में पेट भर के उसकी शादी है, उस दिन भी उसका फोकस अपनी पत्नी की बजाय गुलाब जामुन पे। शादी में पेट भर के कौन खाता है? नाम लिखा हुआ प्रमोद गुलाटी 516। हिसाब किताब के बड़े पक्के होते, मास्टर था, रात को 2:30 बजे डायरी उठाई, लिखा 1500 रुपए लगे थे, 516 आ गए, 984 रुपए और रह गए। कोई सपने वपने नहीं थे, कोई ड्रीम ड्रीम नहीं था, बस मैंने जो लगे हैं उसको पूरा करना। जिस दिन मेरा चेक आया दोस्तों, उसके 3 दिन बाद जींद में जहां मैं रहता हूं वहां पे ऐसा ही एक बड़ा प्रोग्राम था, खचा खच भरा पड़ा हॉल, लास्ट लाइन में बैठा था, लास्ट लाइन, सारे समझदार वही है, बीच में थोड़ा सा बोर रहे हो, पीछे से निकल जा बराबर, लास्ट लाइन में बैठा था, स्टेज से बोला गया, जिनका पहला चेक आया आओ, उस समय पहले चेक वालों को बुलाते थे क्योंकि बोलने वालों की संख्या कम, जिनका पहला चेक आया आओ, लोग भागते स्टेज पे चढ़े, सारा लोग स्टेज पे चढ़ गए, मेरे को स्टेज पे खड़ा होने का बोलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं बैठा था आप लीजिए, मेरे साथ मेरे सीनियर बैठे, कहते प्रमोद तेरा पहला चेक आया जा बुलाया जा रहा, मैं ऐसे ही मुस्कुरा के बोला, मैं कहा सर आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं बहाना लगाया थोड़ा सा, लेकिन ये जितने भी अगली चेयर पे बैठे हैं ना सीनियर आपके, ये बहाने बुने मारने में इनकी कीमती है साहब, अरे जो गोलियां तुम देते हैं ये सारे काम करके छोड़ दिया। तो सीनियर मेरा बोलता है बेटा जब पेट में दर्द होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, बहुत प्रकार की होगी, अगर तेरे दर्द है तो भी जा, क्योंकि वहां पेट से नहीं मुंह से बोलना। और फर्स्ट टाइम पहली बार जब मैं खेत पे चढ़ा था ना, आज आपने देखा लोग गुलदस्ते देके
फोटो खिंचवाते हैं। पहली बार जब मैं आपसे के स्टेज पे चला था, मेरे तीन सीनियर लीडर ने धक्का मारी था, सात आठ लोग चढ़े खड़े थे, और मैं जब चढ़ रहा था, जैसे रंजीत सर के हाथ में माइक था, वैसे एक व्यक्ति के हाथ में माइक था, मेरी तरफ देख के बोलता है, अपना नाम, क्या करते हैं, कहां से रहने वाले हैं, और कितने रुपए का चेक आया, केवल चार बातें बतानी है, ज्यादा टाइम नहीं है, सीनियर आए हैं, उनको सुनना। मेरे मन में सोचा, तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा जल्दी तो मेरे को, मेरी घबराहट हो गई, मेरी टेंशन हो गई थी। पहले आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, दूसरे आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, तीसरे आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, चौथे आदमी के हाथ में माइक था तो मैं हिमांश की दिशा की स्पीड बढ़ गया, पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा, पहली बार जिंदगी में पहली बार जब मैंने माइक पकड़ा था, यू और ये हिलिया मामला, ये माइक की साइंस है साहब, जिसको ये माइक पकड़ के बोलना नहीं आता ना, उसके लिए काला नाग, काला नाग अच्छा, और जिसको ये माइक पकड़ के बोलना आता है वो सबके साथ निगाहों में निगाहें मिलाकर बोल सकता है, और जिसको बोलना नहीं आता माइक पकड़ के, एक ही आदमी को पकड़ेगा, या पंखे को देखता रहेगा, या छत पे देखता रहेगा, या जिसने माइक दिया उसी की तरफ देखता रहेगा, मुझे जिसने माइक दिया मैं उसी की तरफ देख रहा हूं, मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, मैं क्या करता हूं मैं ये भी भूल गया, मैं कहां से आया मैं ये भी भूल गया, केवल एक लाइन याद थी, 516 रुपए आए हैं।